तो दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी लेकर के आए हैं कि झारखंड में मनरेगा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप सभी को इस वैकेंसी को ऑफलाइन तरीके से आवेदन करेंगे। रोजगार सेवक सहित अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। पूरी जानकारी आपको दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जामताड़ा के अंतर्गत मनरेगा में दोस्तों अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। ठीक है दोस्तों, आप अपने जिला की वैकेंसी का नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वैकेंसी आएगी मनरेगा के अंतर्गत आपको जो है सबसे पहले सूचना दी जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों आप लोगों यहाँ पर सबसे पहले वैकेंसी के बारे में, क्या क्या पोस्ट निकल कर आई है। देखिए, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए 5 पोस्ट है। तकनीकी सहायक अभियंता के समक्ष 4 पोस्ट है। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समक्ष 11 पोस्ट है। लेखा सहायक में 4 पोस्ट है। कंप्यूटर सहायक में 5 पोस्ट है। ग्राम रोजगार सेवक में देखिए 27 पोस्ट है। यानी कुल मिलाकर देखिए 56 पोस्ट लिए वैकेंसी निकल कर आई है। आप सभी कैंडिडेट वैकेंसी को ऑफलाइन तरीके से आवेदन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। देखिए, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए आप लोगों से जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जितने भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन पाले हैं, 55% अंक है आपका, तो बिल्कुल आप लोग आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, अतिरिक्त योग्यता भी मांगा गया आपसे, जो कि MBA, PGDBA, PGDBM अगर यदि आपके पास है, BSc कंप्यूटर किए हुए हैं, BSc कंप्यूटर ऑनर्स किए हुए हैं, तो आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। देखिए, अगला जो पोस्ट है तकनीकी सहायक के लिए, जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे, देखिए BE/BTECH किए हुए हैं तो बिल्कुल आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अतिरिक्त योग्यता आप लोगों से मांगा गया है, जितने भी कैंडिडेट सिविल संकाय में देखिए MTECH किए हुए हैं, PGDCA किए हुए हैं, MCA किए हुए हैं, तो बिल्कुल आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं इस वैकेंसी को। देखिए, तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के समक्ष आवेदन करेंगे तो BE/BTECH किए होना आपका जो है जरूरी है सिविल संकाय से। ठीक है, और अतिरिक्त योग्यता आप लोगों से जो मांगा गया है इसमें सिविल संकाय में BE/BTECH, BCA, BSc कंप्यूटर, BSc कंप्यूटर ऑनर्स किए हैं, तो बिल्कुल आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लेखा सहायक पद के लिए आप आवेदन करेंगे तो इसमें आप लोगों से जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ध्यान रखिए, BCOM की डिग्री होना चाहिए 55% अंक के साथ। और दोस्तों अतिरिक्त योग्यता आप लोगों से जो मांगा गया है, MCOM, BCA, MCA, PGDCA, MSc अगर ये आपके पास है, तो बिल्कुल आप लोग इस वैकेंसी को आवेदन कर सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर सहायक पद के लिए जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे तो देखिए BSc कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, BSc कंप्यूटर ऑनर्स किए हुए, या फिर देखिए BCA कंप्यूटर किए हुए, या फिर देखिए BCA किए हुए सामान्य, या फिर सामान्य ग्रेजुएशन किए हुए, PGDCA आपके पास डिग्री है, तो बिल्कुल आप लोग जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए आप लोगों से अतिरिक्त योग्यता मांगा गया है, MCA की डिग्री है, PGDCA की डिग्री है, या फिर देखिए MSc डिग्री किए हुए कंप्यूटर साइंस की, तो बिल्कुल आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। ग्राम रोजगार सेवक पोस्ट के लिए देखिए, जितने भी कैंडिडेट इंटरमीडिएट किए हुए हैं आप लोग आवेदन कर सकते हैं, या फिर देखिए मैट्रिक आप पास हैं और साथ में ITI किए हुए हैं तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, या तो फिर आप मान लीजिए इंटरमीडिएट पास हैं तो बिल्कुल आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता इसमें क्या मांगा गया है, तो देखिए कि आप मतलब ग्रेजुएशन कर लिए हुए हैं तो बिल्कुल आप लोग आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हैं बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। या फिर देखिए BCA किए हुए हैं, या फिर देखिए PG कर लिए हुए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर लिए, PGDCA कर लिए हैं, तो बिल्कुल आप लोग इस वैकेंसी को आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग का देखिए, इसमें जो देखिए उम्र सीमा मांगा गया है, 1/8/2023 के अनुसार उम्र सीमा की गणना की जा रही है। न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, जहां पर देखिए जनरल के लिए 35 वर्ष रखा गया है अधिकतम उम्र सीमा, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष रखा गया अधिकतम उम्र सीमा, महिला दोस्तों जो कि जनरल OBC WS के लिए देखिए 38 वर्ष रखा गया है, अनुसूचित जाति जनजाति महिला पुरुष दोनों के लिए देखिए 40 वर्ष रखा गया है, और दिव्यांगजनों के लिए 10 साल का जो है अतिरिक्त छूट दिया गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें आप लोग का जो सिलेक्शन होगी, देखिए मेघा सूची के अनुसार आप लोग का इसमें जो है सिलेक्शन होना है, यानी मेरिट के आधार पर आप लोग का जो है इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा, जो एकेडमिक जितना नंबर लाएं दोस्तों उसी के आधार पर आप लोगों को यहां पर जो है सिलेक्शन होगी। फॉर्म भराना देखिए 18 अगस्त से शुरू हो रही है, 7 सितंबर तक आप लोग जो है फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को भरनी है, फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग फॉर्म को भरेंगे और सेंड कहाँ पर करनी है, तो देखिए उप विकास आयुक्त सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जामताड़ा के कार्यालय में आप लोगों को जो है ग्रामीण विकास अभिकरण जामताड़ा के पते पर आप लोगों को जो है सेंड करनी है डाक के माध्यम से। ठीक है, और ये रहा दोस्तों आप लोगों का फॉर्म, ये फॉर्म को आप लोगों को जो है भर करके सेंड करनी है। धन्यवाद।